मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि जो जहाँ होंगे वहीं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मेरा देख सकते हैं सुबह हो गया, ये सो के उठ गई हूँ। प्रिंस अभी देख लीजिए वहाँ पे सो रहा है और घर का कंडीशन देख लीजिए। तो आशा आप लोगों को डेली ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो मैं फिर से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और तो चलिए दिन का शुरुआत हो गया है, काम करने चलते हैं हम लोग को। तो फुर्सत और बाहर का नज़ारा देखिए कितना कुहासा है, देख ही सकते हैं आप लोग। तो पूरा अभी बाहर में कुहासा ही कुहासा है, चारों तरफ कुहासा ही भरा हुआ है गाइस, बहुत ठंडा। मतलब प्रिंस को ना स्कूल भेजने का मन नहीं होता, इतना ठंडा है। बट उसका एग्ज़ाम आने वाला है फरवरी से, उसका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और बच्चे घर पे रहते हैं ना तो और ज़्यादा परेशान करते हैं। मतलब पूरा दिन उनको कुछ ना कुछ करना ही है और स्कूल जाते हैं तो इतनी स्कूल में जाकर कुछ भी तो सीखते हैं। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि चलिए उनको स्कूल भेजती हूँ, उसको स्कूल भेजती हूँ। अभी वो सो रहा है, उसको सोने दीजिए, अभी उठाऊँगी। इतना हवा चल रहा है, आप देख सकते हैं वो लगा देखिए गाइस। मेरा चाहे आवाज़ भी आप थोड़ा गड़बड़ है ठंडा की वजह से और टेंशन की वजह से, तो सोचा पहले चाय पीते हैं। इसके लिए मैं चढ़ाई हूँ चाय, किचन के लिए आपको ही क्लीन करके सोती हूँ। हे गाइस, तो आवाज़ तो आप यहाँ मेरा सुन ही चुके हैं कि कैसा हुआ है। तो चलिए, बच्चा है, उसको टिफ़िन बनाना है, घर का काम करना ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिया है दाल, उसमें नमक और हल्दी डाल दीजिए और उसको गैस पर रख दीजिए। सबसे इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी है, आप चाहें तो वेजिटेरियन लोग के लिए। ये बिहार का, हमारे यहाँ तो इसको पिट्ठी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। और यहाँ पर आटे की छोटी छोटी पूड़ी बना लेना है और उसको जैसा शेप मन हो ऐसा करके इसके अंदर डाल देना है और उसको ढक के रख देना है बॉयल होने के लिए। उसके बाद से आपका यम्मी टेस्टी नाश्ता तैयार हो जाता है। और चलिए, जब तक ये बनेगा मैं चलती हूँ प्रिंस को नहलाने, उसको रेडी करने, क्योंकि उसको स्कूल जाना है। तो प्रिंस को अभी मैं नहलाने धुलाने जा रही हूँ, तब तक ये रेडी हो जाएगा। और आप ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं प्रिंस को जब स्कूल से लेके छोड़ के आऊँगी उसके बाद आप लोग से मिलूँगी ब्लॉग में। तो देखते रहिएगा आप लोग ब्लॉग और इन्जॉय कीजिएगा। ये देख सकते हैं प्रिंस का नाश्ता रेडी हो गया, वो नहा भी चुका, आप देख सकते हैं। मैं बाबू को गई थी छोड़ने स्कूल और नहाई भी नहीं हूँ आज। आज थोड़ा उधर से मैं आते समय आपको दिखा रही हूँ क्या क्या बाजार ले गई हूँ। एक अंडा का ट्रे ले लिया है, साथ में ये सब सामान है दिखाऊंगी आपको। फिर यहाँ पे देख लीजिए प्याज, बंधा गोभी, केला, कौन, गाजर। आज शाम को ना मोमो बनाऊंगी तो उसके लिए सब कुछ लेके आई हूँ। और चलिए कि अपनी जेठानी की गलती दिखाती हूँ आपको। आप ही लोग बोलिए, आप लोग जो रास्ता देखे वहाँ से इतना भारी है, जो बैग लेकर अंडा का ट्रे लेकर या कुछ भी सामान लेकर क्या आप चढ़ सकते हो। मैं ये नहीं बोलती कि इसके लिए मेरी जेठानी को बोलूँगी तो क्या बोलेगी, उसका रिएक्शन मुझे नहीं पता कि उसको हटा देगी कि नहीं। लेकिन इसके लिए मेरी सास लगेगी झगड़ा करने का। इस जेठानी तो बाद में आएगी लड़ने, पहले सास लड़ेगी। और मेरा बच्चा का एक चप्पल भी नीचे में रहेगा तो उठा कर लाकर ऊपर में रखती, क्योंकि मेरा नीचे में हिस्सा नहीं है। आप बताइए क्या बोलिए गाइस ऐसे इंसान को। तो चलिए गाइस, बाद में बात करते हैं उनका, आपको दिखाती हूँ आगे। मैं आ गई हूँ किचन में और देख लीजिए आप भी ना गाइस, ऐसे गाजर को, बंदा गोभी को, फूल गोभी को, जिसको भी आप मिक्सर में ही ग्रेनाइट कर सकते हैं, उसको छोटे छोटे कट कर सकते हैं। आपको ना घिसने वाले पे घिसने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम आपका बच जाता है, सेव हो जाता है। मिक्सर में एक बार डाल के उसको बस उल्टा मिक्सर चलाने में समझते ना, आप उल्टा मिक्सर को चला दीजिए, आपका सब कुछ बंदा गोभी वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से बारीक कट हो जाएगा। तो मैं आज मिक्सर में ही सब कुछ कट की हूँ और यहाँ पे मैं आज बनाऊंगी मोमो, फिर गाजर का हलवा, सब कुछ। आप यहाँ पे रेसिपी देखते रहिएगा कैसे बनता है, क्या बनता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना रिफाइंड तेल लिया है। मोमो बनाना बहुत इजी है और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें इतना हेल्दी हेल्दी सब्जी होता है ना, जो आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है और सही होता है। क्योंकि देखिए, हमारे बच्चे को हम लोग यही कोशिश करते हैं कि उनको ग्रीन वेजिटेबल कैसे खिला दें, बट बच्चे ऐसे तो खाते नहीं हैं, उनको खाना पसंद ही नहीं है बच्चों को। तो मैं बुद्धि लगाती रहती हूँ कि बेटा को कैसे खिलाऊँ, क्या खिलाऊँ। तो इसके वजह से मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं बना रही हूँ। और आज मेरे किचन में हो रहा है घमासान युद्ध। युद्ध का मतलब आप देख सकते हैं बहुत कुछ बन रहा है, उसके वजह से पूरा मतलब काउंटर जो मेरा सिल है वो गंदा पड़ा हुआ है। लेकिन मैं सब कुछ एक बार में ही क्लीन कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पता ही है मुझे मार्केट, बच्चे का माँ बाप सब मैं ही हूँ, तो उसको मार्केट जाना है, बीच बीच में बच्चों को छोड़ने जाना पड़ता है, ये सब सारे काम हैं। तो एक बार में ही मैं इसको करती हूँ, कैसे निपटाती हूँ यही सब आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज हो चुका है ब्राउन, उसमें हम लोग डाल देंगे गोभी को।
सबसे पहले गोभी को इसलिए डालते हैं ना क्योंकि गोभी में एक तरह का स्मेल होता है तो वो थोड़ा सा सही हो जाता है। तो प्याज में ना उसको सबसे पहले गोभी को डालकर भून लीजिए, उसके बाद से शिमला मिर्च, गाजर, बंधा गोभी, पत्ता गोभी, जो आपको सही लगे पहले, जिसको आपने कट कर लिया उसको एक एक करके यहाँ पे आप भूनते रहिए और यहाँ पे आप रेसिपी देखते रहिए। मैं बोल रही हूँ ना गाइस, जो सीढ़ी वाला जेठानी की बात बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ जेठानी को, देखिए उनको नहीं सही नहीं लगता होगा तो वहीं पर रख देती हैं, कोई बात नहीं, चलो रख देती हैं। आप ही बताइए, एक छोटा बच्चा है मेरा बच्चा है, बच्चे को तो आपको पता ही है आजकल मोजे वगैरह पहन के रखते हैं, वो जा रहा है वहाँ पे, उस सीढ़ी पर उस तरह से कपड़ा वगैरह करके रखी, एक पैर लगेगा नहीं कि बच्चा नीचे गिर सकता है गाइस, या मैं ही फिसल सकती हूँ, या झोला वगैरह ना इतना दिक्कत होता है ना गाइस, पेट में दर्द हो जाता है, झोला वगैरह एकदम ऊपर उठाकर टान के लेके आना पड़ता है, क्योंकि नीचे में तो उनका आपने देखा दो वाटर बोतल और इधर से कपड़ा, झोला, चप्पल सब वहीं पे रखती हैं, तो इतना दिक्कत होता है चलने के लिए। लेकिन मैं ये बात शायद अपनी जेठानी को बोलूं कि जाकर के भाभी आप यहाँ से हटा दो, तो शायद एक पल के लिए वो सुन सकती है कि नहीं पता नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ ऐसे इंसान के बारे में, लेकिन उसके पहले ये बात अभी मैं बोलूँगी उसके पहले मेरी सास आ जाएगी मेरा से झगड़ा करने की, तुम तो यही चाहती हो ये वो, आप मेरा सीढ़ी देखते हैं ना जब मैं पोछती हूँ, एक भी गंदगी नहीं रखती हूँ, सीढ़ी वगैरह छत वगैरह मैं सब कुछ साफ़ रखती हूँ, और वो अपने दरवाजे के सामने ही इतना गंदगी ताकि मेरे ऊपर आने में, ये मुझे नहीं पता है कि उनके मन में ये चलता है कि नहीं, मुझे दिक्कत देने के लिए वो रखती हैं कि वो अपनी खुशी से रखती है, पर मुझे तो ऐसा लगता है ना कि मुझे परेशान करने के लिए रखा जा रहा है, जो भी है लेकिन रखती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सामान वगैरह लेकर। और मेरी हस्बैंड को ना मैं क्या बोलूँ, बोलो वो बीमार पड़े हुए हैं, एक जगह बिस्तर पे पड़े हुए हैं, उनको मैं जाकर अब वीडियो कॉल करके दिखाऊं कि ऐसे ऐसे हैं, मैं उनको कुछ नहीं बोलती हूँ गाइस, क्योंकि उनको बोलूँगी ना तो अभी वो भैया से ये करने लगेंगे कि आप लोग रास्ता क्यों नहीं साफ करके रखते हो, रास्ता क्लीन करके, वो बार बार मम्मी जी को बोलते हैं कि दरवाजे पे कुछ मत रखना, सीढ़ी का सप्पा होता है तो उसको क्लीन करके रखना चाहिए, लेकिन ये लोग सुन ही नहीं सकते हैं गाइस, आप चाहे जो कर लो। और मम्मी जी ना मैं बोलने जाऊँगी तो मम्मी पहले झगड़ा करने आ जाएंगे, क्योंकि उनके बेटा बहू तो वही है, क्योंकि उनका हाथ पैर सब ठीक है, भैया ही ये कर रहे हैं, तो आप कुछ नहीं बोल सकते, समझदार के लिए सारा काम ही होता है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ प्रिंस को स्कूल से लेने, आप देख ही सकते हो प्रिंस को यहाँ से लेके मैं घर जाऊंगी, तो देखते हैं रात तक और ना काम करते करते जितना लेट हो गया था गाइस, और यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा बारिश भी आ रहा है, तो क्या बताएं आपको। तो यहाँ से मैं प्रिंस को लेके स्कूल से आ गई थी घर, उसके बाद से मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है, उसको खाना खिलाया, उसको ड्रेस वगैरह चेंज किया, उसके बाद से मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था तो थोड़ा सोई हुई थी, और फिर शाम को उठ कर ना रात का खाना का प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बीच में प्रिंस को स्कूल ट्यूशन छोड़ने के लिए भी गई थी, क्योंकि 7 बजे से वो ट्यूशन जाता है, तो उसको ट्यूशन छोड़ने भी गई थी, तो ये 7 बजे का ना पहले का ब्लॉग है। मैं उसको ना ट्यूशन भेजने से पहले सोचा थोड़ा सा मोमो बना के खिला देती हूँ, बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट होती है ना, तो यहाँ पे आप देखिए मोमो बनाना कितना आसान है, आप ऐसे करके ना इसको फिलिंग कर दीजिए, जिस भी शेप में आपको ईजी लगे वैसा शेप दे दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही देंगे, आप डकलिंग के तरह भी शेप दे सकते हैं, और बस आटे की ना छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल लेना है, उसमें बस फिलिंग्स को भरना है, और इसको जैसे शेप चाहे वैसे बस इसको शेप दे के रख लीजिए। ऐसे तो मोमो मैदा का बनता है गाइस, पर मैं मैदा का बनाना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए ना मैदा हेल्दी नहीं होता है, तो मैं आटे की ही बनाती हूँ, बस इसका रंग थोड़ा सांवला होता है, गोरा गोरा नहीं होता है मैदा के जैसा, तो कोई बात नहीं है, मेरे बेटे को मैं आटे की ही बना के खिलाती हूँ, और उसको पसंद भी है, और हमारे घर में सबको ही पसंद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं मोमो बेटे के लिए बना दी हूँ, और बहुत ही टेस्टी हो और हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें तेल वगैरह सिर्फ जो आपने फ्राई किया वहीं पे ही तेल लगा है, और कहीं भी इसमें तेल नहीं लगता है। आप इसको चाहें तो डीप फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो चलिए प्रिंस को दूंगी, और आप ना मुझे बताइए कि मुझे क्या अपनी जेठानी को ना टोकना चाहिए वहाँ पे सामान रखने के लिए, नहीं लेकिन मुझे डर लगता है मेरी सास से, वो तुरंत झगड़ा करने आ जाएगी मुझसे, सबसे पहले झगड़ा करने आ जाएगी कि क्यों हटेगा सामान, क्यों हटेगा, लगती है चिल्लाने गाइस, लेकिन थोड़ा सा भी बुद्धि नहीं है कि एक औरत अकेले रहती है, ऊपर में आना जाना करती, इतना बड़ा बड़ा झोला बच्चा का बार बार लेके जाना आना करती है, मुझे इस जगह को क्लीन रखना चाहिए। आप लोग का इस बारे में क्या विचार है, या मैं ही गलत हूँ, प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा इस मैटर में। और यहाँ पे देख सकते हैं मोमो हो गया है बॉयल अच्छी तरह से, और इसका ना जब स्टीम हो जाता है तो इसका एक ही पहचान है, आप देखिए बिल्कुल भी नहीं, थाली में चिपकता नहीं है, और इसके लिए कोई स्टीमर की ज़रूरत नहीं है, घर का जो नॉर्मल तसला होता है ना गाइस वही है, और हांडी है उसके ऊपर मैंने एक जाली वाला थाली रख दिया है, आप चाहें तो उसके ऊपर चलनी रख सकते हैं या कपड़ा बांध कर इसको स्टीम कर सकते हैं। तो चलिए प्रिंस के पास इसको ले कर चलते हैं, और आप लोग को ना मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, मेरी रेसिपी कैसी लगती है, आप प्लीज़ प्रिंस लो खा के देखो, ठंडे मिर्ची की चटनी इसे मत खाना, इसे खाना तो खा के देखो रिएक्शन दो, गरम है अभी,
बहुत गर्म है, छोटा ला लो ना, गर्म है। प्रिंस कैसा हुआ है मोमो? गर्म तो टेस्टी हुआ है। तो आज खाना में चल जाएगा आपका। गाइस तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा। रेनू जी, राजेश प्रिया जी को सब लोगों को है मतलब बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग मेरे सारे ब्लॉग में कमेंट्स करती हैं, तो जो भी मुझे कमेंट्स करेगा उनका मैं नाम लेके ब्लॉग में के लास्ट में थैंक यू करूंगी। तो आप दोनों, आप सभी लोगों को मेरे माँ बेटा और मेरे हस्बैंड से रिलेटेड वीडियो कैसा लगता है कमेंट्स करके बताइएगा। और सीढ़ी के बारे में जरूर आप कमेंट्स कीजिएगा कि मुझे उन लोगों से बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए इस मैटर में आप लोगों को। और बच्चों को ना आप अच्छी शिक्षा दें, जैसा शिक्षा देंगे ना बच्चे बड़े होकर वैसे ही बनते हैं। तो हम लोग तो कोशिश करते हैं कि बच्चे को अच्छे से ज्ञान दे, शिक्षा दे, बुद्धि दे, तो यही यहीं से जर्नी स्टार्ट होती है और यहीं पे जर्नी ख़त्म होती है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर।